तो भाई अभी हम आ चुके हैं पुराने किला के पास, मतलब पुराने किला के बस स्टॉप पे आए हुए हैं। और अभी करीबन करीब हम चले हैं, शायद 1.5 घंटे पैदल चले हैं। आप सोच सकते हैं, मजाक नहीं कर रहा, कसम से कम 1.5 से 2 घंटे हम पैदल चले। सो आज हम जा रहे हैं वापस ब्लॉग पे। जैसे मैंने कहा था कि रेगुलर ब्लॉग्स आते रहेंगे, तो ही रेगुलर तो नहीं हुआ, 2-3 ऊपर नीचे हुआ है। बट जो भी अभी हम जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने, तो मैं जल्दी से रेडी होता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और ब्लॉग बहुत जल्दी क्विक हो रहा है। तो ब्लॉग इसलिए मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो अभी जल्दी से रेडी होकर मिलता हूँ। सो भाई अभी हम आ चुके हैं सफदरजंग टर्मिनल। तो ये जैसा देख सकते हैं इधर, और अभी हम लोगों को जाना है बहुत आगे, बट अभी हम यहाँ पर रुकते हैं एंड अभी हम देखेंगे कि अभी हम जाना कहाँ पर जाना है। वो अभी जगह प्रॉपर हमें बताएंगे नहीं, बाकी टर्मिनल से तो पता चल ही गया होगा। तो बाकी अभी हम यहाँ से जाते हैं दूसरे टर्मिनल, पकड़ते हैं बस का और वहाँ सीधा आप जाके मिलते हैं। तब तक के लिए थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट। सो भाई अभी मैं आ चुका हूँ जो प्रॉपर लोकेशन है, और वो लोकेशन मेरे उस साइड है। तो हमें यहाँ से सबवे या फिर कुछ क्रॉस करके जाना पड़ेगा, पर जो भी है भाई, हम सुबह से मेरे ख्याल से 11 बजे से निकला था मैं, और अभी बज रहे हैं 2। मतलब आप देख सकते हो ना कि कितना टाइम लगा आने में, क्योंकि हमने क्या करा, हम सोच रहे थे कि हम बस में जाएंगे, तो हम बस चेंज कर करके हमें समझ नहीं आया कि कौन से टर्मिनल में जाना है। बट जो भी था, फिर हम उद्योग भवन से उतर के हमने यहाँ से एक ऑटो लिया, तो उन अंकल ने बहुत अच्छे थे, उन अंकल ने हमें प्रॉपर उठाया जहाँ पर हमको आना है वहाँ पर उतारा। तो मेरे राइट हैंड में बहुत प्यारी जगह है, बट मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, जब अंदर जाऊँगा तो प्रॉपर आपको डिस्क्राइब करूँगा, उसके बाद मैं एक्सप्लोर करूँगा कि कैसा है अंदर और कैसा नहीं। तो सीधा मैं आपको अंदर आके मिलता हूँ। ओवेट सो भाई, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, बहुत ज़्यादा बॉम्ब है। तो सबसे पहले आप ये देखो, मतलब क्या खतरनाक ही लग रहा है भाई, देख सकते हैं कि आप, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से, और बहुत सारी जगह है, आगे भी बहुत जगह है, बट
ये यार बहुत प्यारा है, जैसे आप देख सकते हो ना यहाँ पर एंशियंट चीज़ें बन रखी है, और ये एक तरह से ये स्तूपा है और इसका नाम है शांति स्तूपा। ये आपको इंद्रप्रस्थ की तरफ मिलेगा, लोकेट मिलेगा, और मतलब आप जैसे देख सकते हो ना यहाँ पर ग्रीनरीज भी है और एकदम पूरा का पूरा नेचर है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो देखो जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और आपको भी सिनेमैटिक शॉट्स देखने को बहुत मिलेंगे गाइस, बट इस चीज़ को देख के ना भाई प्यार हो गया, बहुत सही लग रहा है। तो कमेंट करके बताना कि ये चीज़ कैसी लगी, इस चीज़ के लिए यार कमेंट तो बनता ही बनता है। तो भाई जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि अभी एक शांति स्तूपा दिखाया हमने, जो कि मेरे यहाँ सामने है एक ये, और एक मेरे पीछे ये रोड जो है, ये जगह को हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे, बट जो भी है यार ये जगह बहुत अच्छी है। और मुझे पता है कुछ लोग पूछने वाले होंगे कि ये कहाँ पर है, तो ये आपको पड़ेगा इंद्रप्रस्थ पार्क के पीछे पड़ेगा, ये सामने इंद्रप्रस्थ पार्क है और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है शांति स्तूपा। तो यहाँ पर भीड़ बहुत ही कम है, मतलब लोग कम ही है बहुत, यहाँ पर कपल्स हैं ज़्यादा ज़्यादा, बट उनको हटाओ यहाँ पर, मतलब घूमने भी आ सकते हो, बट आप दोपहर के टाइम मत आना क्योंकि बहुत गर्मी चल रही है, और वैसे भी दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी वेदर है। तो अगर आपको आना हो तो आप 5 बजे आना, और ये 7:15 तक खुला रहता है बस। तो अगर आप आओगे तो टाइम से आना, 7 बजे से पहले आना और अच्छे से घूमना, यहाँ पर शाम के टाइम बहुत अच्छा जाता है, बट हम कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करें, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए गए जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी का सीन ये है कि आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा है कैसे नहीं, सो लेट्स गो। राइट सो भाई अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, और अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले शूज़ उतारने पड़ेंगे, और शूज़ उतारने के लिए यहाँ पर प्रॉपरली कोई जगह तो नहीं है, बट एक तरह से मतलब यहाँ पर साइड वाइड में कुछ रखने के लिए जगह तो वहाँ पर रख दो, बट वो प्रॉपर जगह नहीं रखने के लिए। मैं रिकमेंड मत करूँगा कि वहाँ पर रखो, बट अपने रिस्क पर रखना, कोई प्रॉब्लम ना हो बस। बाकी आप जैसे कि देख सकते हो गाइस, ये है शांति स्तूपा पूरा प्रॉपर, यहाँ पर ये बुद्धा है शायद से, ये कुछ पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट बहुत औसम है। और मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कुछ लिखा हुआ है, ना मुँह मेो हो रेन गे क्यों, अब इसको तुम ट्रांसलेट कर लेना मुझे नहीं पता, बट ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। और वहाँ पर हम थे, हमने वहाँ पर शूट करा एक बहुत अच्छा वाला, और वो इंद्रप्रस्थ वाला रोड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी जगह है, एंड मैं रिकमेंड करूँगा भाई यहाँ पे बिल्कुल आना, और मतलब आओगे भी ना तो बहुत ज़्यादा ही पानी वानी लेके आना, क्योंकि थक जाओगे अब, यहाँ पर भी गर्मी तो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे। और बाकी जगह बहुत अच्छी है, वहाँ पर 2-3 पहाड़ भी है, जैसे आप देख सकते हो उधर 2-3 पहाड़ है, और वहाँ पर शायद हमें शायद ही आने देंगे, बट
देखते हैं वहाँ पर, जब देख सकते हो ये दो तीन लोग हैं और वहाँ पर कुछ झूले वूले हैं, शायद कैंटीन वगैरह होगा मुझे पता नहीं, बट जैसे कि आप देख सकते हो उधर बहुत प्यारा है ये वाला व्यू, मुझे वो बहुत चीज़ अच्छी लगी। अगर शाम होती तो पक्का उधर जाता है, बट ट्राई करूँगा अगर वहाँ पर जाने का कुछ हुआ तो। बाकी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कि कैसा वॉक अराउंड है, और ये आगे हम उसके सामने ये भी एक बुद्धा का स्टैचू है, देख सकते हो ये देखो ये बुद्धा का स्टैचू, और ये जो मैंने आपको बताया था जो नीचे, ये चीज़ अभी बन रही है गाइस, मुझे अभी पता चला ये भी बन रही है, बनने के बाद में एक बार और एक्सप्लोर करने आऊँगा इधर, और बहुत सारे अच्छी जगह है यार देखो। और उधर भी आप देखो जैसे कि वहाँ पर रॉक करके कुछ लगा हुआ है, और वो भी सही लग रहा है, स्टोन ही स्टोन है वहाँ पर, वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे गाइस अगर हो सका तो, नहीं तो नहीं जा पाएंगे, बट जो भी है बहुत अच्छा है, और देखते हैं अभी क्या क्या सीन है क्या नहीं। बाकी अभी तो ये ऐसे ही है, देख सकते हो जैसे कि देखो ये एकदम ऊँचाई पे, इसके कुछ है वगैरह नहीं, क्या है वो कुछ होता होगा, और यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर ही बुद्धा का स्टैचू है लेटे वाला, और जहाँ से हम आए थे वहाँ पर वापस आ गए ये वही जगह है वापस। और एक बार और दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर कि ये कितना सही लग रहा है, वैसे मुझे देख सकते हो कि आप सुनो, इस चीज़ के लिए यार एक लाइक तो बनता है इस चीज़ के लिए, एक लाइक, सिर्फ एक लाइक, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है, तो इसके लिए एक लाइक। इतनी गर्मी में गाइस देख सकते हो सूरज, देख सकते हो आप इतनी गर्मी में हम व्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गलत चीज़ भी है, बट यूट्यूब के लिए कुछ भी करना हुआ मैं, बट बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं वहाँ जाने, अगर कुछ हुआ तो पक्का से आपको वहाँ का चीज़ दिखाऊंगा मैं, सो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। Few moments later. So guys, हम आ चुके हैं बाहर की साइड, जब देख सकते हो ये हमारा लास्ट था, जो कि मतलब बहुत ही बॉम्ब था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ आने का। और बाकी अगर आपको बताऊँ तो अभी हम निकल चुके हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, तो आप लोग समझ सकते हो कितनी गर्मी होगी और कितना ह्यूमिडिटी होगी, मतलब दिल्ली का वेदर जो दिल्ली में रहता है उनको पता होगा कि कितनी गर्मी है। तो अभी हम देखते हैं, अभी हम आगे जाते हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है और पेट में भाई कुछ है नहीं, सुबह से हमने बस सुबह कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का खाया था, तो अभी का बस यही सीन है कि अभी हम देखते हैं कुछ खाने को मिलेगा तो खाएंगे, फिर अभी सीधे चलेंगे घर को और फिर रेस्ट करेंगे और फिर वीडियो एडिट करके आपके लिए अपलोड करेंगे। तो देखते हैं अभी हम कहाँ जाते हैं, अभी तो कुछ ढूंढ रहे हैं हम खाने पीने को, सो लेट्स सी क्या होता है। Much later. सो भाई अभी हम आ चुके हैं पुराने किला के पास, मतलब पुराने किला के बस स्टॉप पे आए हुए हैं, और कभी करीबन करीब हम चले हैं शायद 1.5 घंटे पैदल चले हैं, आप सोच सकते हैं, मजाक नहीं कर रहा, कसम से कम 1.5 से 2 घंटे हम पैदल चले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लग गया इस व्लॉग में, इतना लग नहीं रहा था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हम बहुत ज़्यादा ही थके हुए हैं, और सकल में 12 बजे हुए आप देख सकते हो। तो अभी का क्या सीन है, अभी हम बस का वेट कर रहे हैं एंड देखते हैं बस कब आएगी, और अगर बस यहाँ पर नहीं आती तो हमें एक और स्टॉप आगे जाना पड़ेगा जो करीबन करीब 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट तब भी देखना पड़ेगा, और वो भी नहीं पता कि वहाँ पर बस स्टॉप पर कोई बस आती भी है या नहीं आती होगी। सो अभी बहुत ज़्यादा ही थकान हो रखी है, इतना एफर्ट करा है, तो यार इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये मेहनत आप वीडियो में नहीं देख पा रहे होगे, बट जो हम अभी कर रहे हैं ना वो रियल मेहनत है, मतलब 2 घंटे चलना बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अभी कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, बस का वेट कर रहा, बस अभी कुछ आ भी नहीं रही है, हमने मतलब 2 पानी की बॉटल पी के ख़त्म कर दिया है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो देखते हैं कोई बस आती है, नहीं आती है तो फिर भागे जाएंगे, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं, नहीं तो फिर आप देखते हैं भागे, अगर हमें कुछ खाने को मिला तो खाएंगे, हमने तो कुछ खाया भी नहीं है, सुबह का बस कुछ खाया था उसके बाद से कुछ खाया नहीं, तो देखते हैं कुछ मिलता है तो आगे मिलते हैं फिर आपको आगे। ऑलराइट, सो भाई मैं आ चुका हूँ उसका मेट्रो, और अभी जो आप सिनेमेटिक शॉट्स देख रहे हो ये मतलब अभी खाया है हमने चिली प्लेटो और चिकन राइस खाए, तो मतलब बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत ज़्यादा ही टफ था और बहुत ज़्यादा ही टफ था, मतलब भाई कसम से चलते चलते वाट लग गई है भाई, और अभी हम पहुँच रहे घर को, और ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं गाइस, अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या ही करना है, लाइक कमेंट और शेयर,
ये तीन चीज़ कर दो और बस भाई दिल खुश हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक एक व्यूअर इस वीडियो को लाइक करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थक गया था यार मैं। कम से कम बहुत दूर गए थे इंद्रप्रस्थ, इट्स सो लॉन्ग राइज, मतलब बहुत दूर है वो। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे वेल।